हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज के दिन हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। एंड इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम है जीना अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। तो आप सभी ने सुना होगा कि पार्टनरशिप होती है। कई बार हम बोलते हैं हमारी हमारी पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में पार्टनरशिप होती है, फ्रेंड्स के बीच में पार्टनरशिप होती है, किसी की किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म इन अकाउंटिंग। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बिजनेस होता है तो इनिशियली आप सबसे पहले अकेले ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। आप थोड़ा सा पैसा लगाते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, बाइंग एंड सेलिंग करने लगते हो, थोड़ा प्रॉफिट अर्न करने लगते हो। आफ्टर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको लगता है कि आपको और ज्यादा लोगों की जरूरत है, और ज्यादा फंड्स की भी जरूरत है, एंड देन यू ऐड न्यू पार्टनर्स टू योर बिजनेस। तो हम आज पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर स्पेशली आपको क्लास 12th एंड बीकॉम बीबीए में हेल्प आउट करेगा। हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच विल बी इफेक्टिव इन केस इफ द पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द पार्टनर्स, एंड इन द एंड वी विल सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस है जिसके अंदर एटलीस्ट टू या मोर देन टू पीपल आर देयर एंड देयर इज एन एसोसिएशन एंड देन दे विल डू सम काइंड ऑफ बिजनेस टुगेदर। सो इफ देयर आर टू और मोर देन टू पार्टनर्स एंड दे हैव एग्रीड दैट दे विल डू द बिजनेस टुगेदर विथ ईच अदर एंड देन दे विल ऑल्सो शेयर वॉट एवर इज द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बिजनेस में हेल्प आउट कर रहे हैं लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो आपका अकेले का है, और फिर भी हम कहेंगे कि आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब भी आप लोग एग्री कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो शेयर होंगे, एंड जो भी पार्टनर्स होंगे वो काम करेंगे उस बिजनेस के लिए, एंड वो एज अ एजेंट भी काम कर सकते हैं एंड एज अ प्रिंसिपल भी काम कर सकते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, और प्रिंसिपल यानी जो खुद के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो अगर पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स हैं वो एज अ एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल काम करेंगे आपकी फर्म के अंदर। ठीक है, अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो हमको लीगल टर्म्स में एक डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप को कौन रूल करता है, उसको पार्टनरशिप एक्ट रूल करता है। और ये एक्ट कब बना था, 1932 में बना था। इसके सेक्शन 4 में डेफिनेशन ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दी हुई है और इसको हमको अच्छे से लर्न करना है, और एग्जाम में कहीं भी आता है इसके बारे में क्वेश्चन तो इसको एज इट इज वर्ड टू वर्ड हमको कोट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। पार्टनरशिप क्या होती है, जब रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन पर्सन, मीन्स एटलीस्ट मोर देन वन पर्सन हैज टू बी देयर, एंड इन पर्सन्स ने एग्री किया होना चाहिए कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और ये जो बिजनेस होता है इस बिजनेस को सभी लोग कैरी करेंगे या कुछ लोग दूसरों के बिहाफ पे काम करेंगे, किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। सो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी है, बाय हार्ट करनी है। चलिए हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दो या दो से ज्यादा लोगों का होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, और कौन पार्टनर बन सकता है, केवल वो ही पर्सन पार्टनर बन सकता है जो कि कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि पार्टनर बनने के लिए यू शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट and following people cannot enter into a contract. कौन कौन enter नहीं कर सकता, जो minor है वो एक contract में enter नहीं कर सकता, कोई unsound mind का है वो एक contract में enter नहीं कर सकता, या किसी भी law में उसको disqualify किया गया है to enter into a contract. तो ये सारे exceptions हैं। इसके अलावा any person is eligible to enter into a contract, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वो पार्टनरशिप में भी
एंटर कर सकता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. चलिए आगे देखते हैं. हर पार्टनर के पास राइट होता है बिजनेस के अंदर काम करने का, ठीक है, और उसके पास ये भी राइट होता है कि उसको कंसल्ट किया जाएगा कि बिजनेस किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, कौन सी बैंक से लोन लिया जाएगा, कैसे बाइंग होगी, सेलिंग होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, कितने टाइम पीरियड में हम पेमेंट वापस डिमांड करेंगे. तो सारी चीजों के लिए कंसल्टेशन का उसके पास एक राइट होता है. हर पार्टनर के पास ये भी राइट होता है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सके, ताकि उसे कोई चीट तो नहीं कर रहा, ताकि वह पता कर सके कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या फ्यूचर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. और वो एक कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी डिमांड कर सकता है आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग सकता है, बैलेंस शीट मांग सकता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग सकता है. तो एक पार्टनर फर्म से और दूसरे पार्टनर से ये सारी चीजें डिमांड कर सकता है. पार्टनर के पास ये राइट है कि वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेगा. एंड पार्टनर के पास ये भी राइट है कि अगर उसने कोई लोन दिया है फर्म को तो उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा. इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे. अभी के लिए समझ लेते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो उस रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा. अगर कोई एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो 6% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन किस पे? लोन पे. लोन क्या होता है? अगर पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप की शॉप में कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है और पार्टनर ने पैसा दिया, लेकिन अगर उसने एज अ कैपिटल दिया तो वो नहीं काउंट होगा, लेकिन उसने एज अ लोन दिया तो वो काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 6%. एंड ऐसा नहीं है कि 6 ही मिलेगा. अगर उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में लिख लिया कि हम तो इंटरेस्ट 12% से देंगे तो 12% से मिलने लगेगा. अगर कुछ नहीं लिखा है तो ही ये 6% का रूल अप्लाई होगा. चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जो पार्टनरशिप की फर्म बन गई, पार्टनर्स आ गए, तो उनकी लायबिलिटीज क्या क्या होगी, सारे पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटी होगी. सबसे पहली तो उसकी ये ड्यूटी होगी कि अगर पार्टनर ने भी साइमल्टेनियसली एक और बिजनेस स्टार्ट कर लिया सेम प्रोडक्ट का इन कॉम्पिटिशन विद द पार्टनरशिप फर्म, एंड उस पर अगर उसको कोई प्रॉफिट्स हो गए तो वो प्रॉफिट्स उसको फर्म को देने पड़ेंगे. ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट. या अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है फर्म के द्वारा, सबके द्वारा कलेक्टिवली, और पार्टनर को कोई पर्सनल इनकम हो जाती है तो वो भी उसको शेयर करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म को. फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि ये पार्टनरशिप की जो फर्म है इनका बिजनेस किस चीज का है, लेट्स से लैपटॉप का है, और इन्होंने 100 लैपटॉप सेल करे किसी स्कूल को, और स्कूल ने उस पार्टनर को कुछ कमीशन दे दी 50,000 रुपए इस पार्टनर को पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में. तो पार्टनर ये 50,000 रुपए खुद नहीं रख सकता, खुद एंजॉय नहीं कर सकता, उसको ये फर्म को देने पड़ेंगे. अब बच्चों आप ये कह सकते हो कि वो बताएगा ही नहीं. अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर उसने बताया ही नहीं और किसी को पता ही नहीं चला कि उसको आउट ऑफ द बुक्स अंडर द टेबल 50,000 मिल गए, तो फिर तो पार्टनरशिप फर्म या बाकी पार्टनर्स कैसे क्लेम कर सकते हैं. तो ये लूप होल तो हर जगह ही है, लेकिन हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ ये कहता है कि अगर पार्टनर ने कुछ पर्सनल गेन्स अर्न कर लिए बिकॉज ऑफ अ डील और अ ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, देन उसको ये देना पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं. ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से दैट यू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. एंड ये सारे लेक्चर्स की मोटिवेशन आपके लाइक से मिलेगी, सब्सक्रिप्शन से मिलेगी. सो आई जेनरसली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी लेक्चर अपलोड होता है तो आपको उसकी डिटेल मिल जाए. और बच्चों आप मुझसे जुड़ सकते हैं YouTube पे ही नहीं, मेरी वेबसाइट भी है cagina.com, उस पर भी आप जाके चेक करें. और हम कुछ ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस भी ले रहे हैं अभी, स्पेशली बिकॉज ऑफ COVID-19. तो अगर आपको कोई लेक्चर्स लेना है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मेरे को Facebook पे, LinkedIn पे, Twitter पे, सभी जगह आप फॉलो कर सकते हैं. प्लीज डू इट. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट. चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि जो हमने यूज करा अभी पार्टनर्स, फर्म, फर्म नेम, तो ये सारी टर्म्स क्या होती हैं? व्हाट डज ऑल दीज टर्म्स मीन?
देखिए जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, वो सारे पर्सन को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। जो इंसान है, जो पीपल है, जो मेल फीमेल है जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पार्टनर्स कहलाएंगे। इन सभी लोगों को इकट्ठा कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं कि वो एक फर्म है, और जिस नाम से वो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फॉर्म की है एक शॉप जिसका नाम है एक्स वाई फॉर्म्स, एक्स वाई एंड सन्स, तो वो एक फॉर्म नेम कहलाएगी। जिस नाम से काम कर रहे हैं वो फॉर्म नेम है। सारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स बोला जाएगा, और उन सभी को कलेक्टिवली हम फॉर्म बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम अकाउंट्स में जनरली बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी, तो जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है, क्या ये दोनों सेम एंटिटी हैं या ये दोनों सेपरेट एंटिटी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लीगल टर्म्स में, लीगल एंगल से अगर हम बात करें, तो ये दोनों सेम आइडेंटिटी है। इन द सेंस ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलके एक शॉप खोली, तीनों ने उसमें पैसा लगाया, और बाद में वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गए, उनको लॉसेस लग गए, अब किसी को उन्हें 5 लाख रुपए देने हैं। तो लेट सपोज इमेजिनरीली कि फर्म के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रीपे कर पाए, तो अब क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं उनके जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं, उनके घर पे जो प्रॉपर्टीज हैं, कैश है, बैंक है, जो उनका प्राइवेट है, उसको भी सेल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू पे दैट क्रेडिटर। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि फर्म ने अपना पैसा नहीं दिया तो जो पार्टनर्स है उनका जो प्राइवेट एसेट्स है उसको भी सेल किया जा सकता है टू पे ऑफ द डेब्ट्स। बट देयर इज अ बिग बट हियर, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो हम हमेशा यही कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट आइडेंटिटी है, पार्टनर्स उससे अलग होते हैं, इसीलिए तो हम पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनाते हैं, उसका पी एंड एल अलग होगा, उसकी बैलेंस शीट अलग होगी, उसका बैंक अकाउंट अलग होगा, सो ऑल दीज थिंग्स आर सेपरेट आइडेंटिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, लीगल एंगल एज वेल एज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। हम जब भी किसी के संग पार्टनरशिप करेंगे तो डेफिनेटली उसमें हमारे कुछ टर्म्स होगी, कुछ कंडीशंस होगी, तो वो सारी चीजों को अगर हम एग्री कर लेते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट बना लेते हैं या रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो हम उसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कि हमने एक पार्टनरशिप डीड बनाई है, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड वर्बल भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न में भी हो सकती है। तो जब ये रिटर्न डॉक्यूमेंट बनेगा, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है। आई होप यू आर विथ मी। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? बेसिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया गया होता है कि ये फर्म का क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या बिजनेस होगा, कौन कौन इसके पार्टनर्स होंगे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, हम होलसेल करेंगे, रिटेल करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारी क्या होगी, ये पार्टनरशिप फर्म कौन सी डेट से शुरू होगी, सारे पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल लेकर आएंगे, अगर उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है तो उसका क्या रेट ऑफ परसेंटेज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजें पॉइंट वाइज पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन अवर पार्टनरशिप डीड व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग का क्या रेशियो होगा ये भी डिस्कस किया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी रेमुनरेशन दी जाएगी नहीं दी जाएगी, क्या अमाउंट होगा, असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किया जाएगा, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, क्या अकाउंटिंग पीरियड होगा, कब से स्टार्ट होगा, वेदर हम कैलेंडर ईयर फॉलो करना चाहते हैं या अप्रैल टू मार्च फॉलो करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे बैंक अकाउंट्स रखेंगे, उसको ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, सिंगल ऑपरेशन है, बोथ सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, इन हाउ मेनी बैंक्स द अकाउंट विल बी ओपन्ड, व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट विल बी ओपन्ड, ऑल दीज थिंग्स विल बी रिटन डाउन इन अवर पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनर की डेथ पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, बाकी लोग पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे या पार्टनरशिप को पूरा डिसॉल्व कर देंगे,
कभी कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि इज इट गुड टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। आई विल से यस यस यस, इट इज डेफिनेटली वेरी गुड टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्यों? क्योंकि इससे क्लैरिटी रहेगी, इससे कोई डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी चीजें बहुत स्मूथली फंक्शन करेंगी। अगला क्वेश्चन आता है कि इज इट इसेंशियल, क्या ये कंपल्सरी है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं? तो माई आंसर विल बी नो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा इसेंशियल नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि पार्टनरशिप डीड बना ली, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी बहुत जरूरी है। एक रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप होता है, वहां पे सरकारी दफ्तर में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो उनके पास डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी कॉपी वो रख लेते हैं, तो वो फर्दर एक एडेड बेनिफिट हो जाता है, वो भी हमें करना ही चाहिए। ठीक है, अभी हमने बात की कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें जो भी चीजें लिखी होगी दोज मेथड्स विल बी फॉलो। अगर उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एट द रेट ऑफ 10% तो वो दे दिया जाएगा, उसमें लिखा है कि सैलरी टू पार्टनर ए विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 20,000 वो भी हम दे देंगे। लेकिन अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस के लिए सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ कॉमन स्टैंडर्ड मेथड्स बना दिए गए हैं और वो ही सारे मेथड्स फॉलो होंगे जब भी हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। तो ये बच्चों आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कभी नहीं दी जाएगी, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर हम 6% से इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमेशा इक्वली शेयर होंगे, रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, कोई भी नया पार्टनर को एडमिशन देना है हमारी फर्म में तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। इफ दे ऑल एग्री टू इट देन ओनली he or she can be admitted into the partnership firm as a partner. तो देखिए चीज बड़ी सिंपल सी है कि अगर हमने डीड बना ली तो डीड फॉलो होगी, अगर डीड नहीं बनाई, एब्सेंस ऑफ डीड है, तो ये सारे रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन करवाना फर्म का जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो ये बहुत अच्छा होगा। तो क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास आपकी सारी डिटेल्स चली जाएगी, डीड की कॉपी चली जाएगी एंड फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जनरली ये होता है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आपने अदरवाइज डिसाइड किया है तो फिर जो आपने डिसाइड किया उस प्रकार से आप प्रोसीड कर सकते हैं। जनरली अगर एक पार्टनर को रिटायर होना हो तो वो सबकी कंसेंट से रिटायर हो सकता है, लेकिन आपने कुछ और एग्रीमेंट में लिखा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, पार्टनर को अगर रिटायर होना है तो वो दूसरों की कंसेंट से रिटायर होगा। ओके, देन न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो भी सबकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर सब एग्री नहीं कर रहे हैं तो वो एडमिट नहीं हो सकता, और अगर सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं तो वो किसी माइनर को भी पार्टनरशिप में फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एडमिट कर सकते हैं। चलिए अभी हमको एक क्वेश्चन देखना है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए बी सी पार्टनर्स ऑफ द फर्म है, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और अब इन फॉलोइंग केसेस में हमको डिसाइड करना है कि क्या किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ये है कि ए ने 50,000 रुपीस की ड्रॉइंग की है, तो अब बी और सी कह रहे हैं कि तो इंटरेस्ट दो उसके ऊपर, सी ने एक लोन दिया है 30,000 का और सी कह रहा है कि क्योंकि मैंने लोन दिया तो इसमें मुझे इंटरेस्ट दो, और इंटरेस्ट किस रेट से दो, 20% से दो। थर्ड पॉइंट में बी ये कह रहा है मैंने बहुत काम किया है अपनी शॉप में कंबाइंड बिजनेस में तो मुझे सैलरी अलग से दी जाए, लेकिन बाकी लोग उसके लिए एग्री नहीं है, मीन्स डिस्प्यूट्स है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, एंड प्लस उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है,
तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, यही सारे जो स्क्रीन पे दिख रहे यही सारे रूल्स हमको इस क्वेश्चन में लगाने हैं। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहले पार्ट में क्या कहा गया था कि ए ने ड्रॉइंग्स करी है, ठीक है, और बी और सी उस पे इंटरेस्ट चाहते हैं, लेकिन हमने क्या याद किया है कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दूसरे पॉइंट में लोन की बात है और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है, तो ये भी हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर पे दिया जाएगा और 6% से दिया जाएगा। तो हमको आंसर में वही लिखना है कि हम देंगे इंटरेस्ट, लेकिन जो 20% वो डिमांड कर रहा है उस पे नहीं देंगे, हम 6% से देंगे। पॉइंट सी में ये कहा गया है कि बी एक पार्टनर है, वो सैलरी डिमांड कर रहा है, तो हमने ये भी याद किया है कि कोई सैलरी नहीं दी जाएगी क्योंकि आपने डीड नहीं बनाई है। अगर सैलरी चाहिए थी तो पहले डीड बना लेते और उसमें लिख देते, फिर भले से वो डीड ओरल हो या वो रिटर्न हो, लेकिन पहले से एग्री कर लेते, क्योंकि एग्री नहीं किया तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि एक पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल दिया था, बी ने, तो वो ये कह रहा है कि मुझे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तीनों का जितना इक्वल पोर्शन है उस पर भले से मत दो, लेकिन मैंने जितना एक्सेस दिया उस पर तो मुझे इंटरेस्ट दो। लेकिन हमारा आंसर है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। आई होप यू आर गेटिंग इट। लास्ट पॉइंट है कि ए की डॉटर है डी, और ए चाहता है कि उसको भी फर्म में एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लें, बट बी और सी उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये भी हमने सीखा था कि कोई भी नया पार्टनर तभी एडमिट होगा जब एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स उसके एडमिशन को एग्री करें, तो यहाँ पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो क्या डी एडमिट होगा? नो, ही वोंट बी एडमिटेड। तो बच्चों, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस याद करनी है, उसको फॉलो करते हुए आपको आंसर करना है। चलिए, अब आपका असाइनमेंट का टाइम आ गया है, तो ये जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगी इसके साथ में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक PDF शेयर कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड करें, उसके सारे आंसर्स को सॉल्व करें, अपनी कॉपी में लिखें और उसके बाद उसका फोटो क्लिक कर लें और मुझे कमेंट्स में पोस्ट कर दें। तो मुझे जो भी ऐसा करके देगा तो मैं उसके आंसर्स को इवैल्यूएट करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। और ये भी हमेशा याद रखिए कि सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं होगा, हमको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और क्लास समझ में आई हो तो जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड वेरी सून आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, चार्ज ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सैलरी टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लोन्स, कैपिटल, गारंटीड प्रॉफिट, सारी चीजें हम आगे करते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।